सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जिस खबर को सबसे पहले हमने ब्रेक किया। खबर यह है कि सरकार ओपन मार्केट में 30 लाख टन गेहूं बेचेगी। इसकी मंजूरी सरकार की तरफ से मिल गई है और ये इसलिए हुआ है ताकि गेहूं की बढ़ती कीमतों को रोका जा सके। डिटेल जानकारी के साथ जी बिजनेस संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश, क्या है पूरी खबर, जरा डिटेल में बताइए। तो ये देखिए, कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा था कि गेहूं की कीमतें और आटे की कीमतें लगातार घरेलू मार्केट में बढ़ रही थी। सरकार ने कह रहा था कि जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं उसके लिए कुछ न कुछ राहत की जरूरत है, और सरकार पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ोतरी के बाद इस फैसले पर पहुंची है कि 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं जो है ओपन मार्केट में बेचा जाएगा। और इसके लिए सरकार कोऑपरेटिव की, पीएसयू की सहायता की, यानी कि ट्रेडर्स के जरिए वो जो है ओपन मार्केट में ये गेहूं भेजा जाएगा ताकि गेहूं की जो कीमतें हैं उसको करने में मदद मिल जाए। सरकार ये चाहती है कि जिस तरह से अगला सत्र आ रहा है, नई फसल से पहले जो कीमतें हैं उसको रेगुलेट कर दिया जाए, थोड़ा कम किया जाए ताकि लोगों की जो प्रोक्योरमेंट है, सरकारों की जो प्रोक्योरमेंट है उसको, उसकी जो रफ्तार है वो बनाई रखी जाए। अगर हम सरकार की बात करते हैं, गेहूं की बात करते हैं अगर, तो गेहूं पर सरकार ने मई में ही एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। वजह यह थी कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद लगातार कीमतें बढ़ रही थी और घरेलू मार्केट में क्राइसिस हो सकती थी, तो उस संभावित क्राइसिस से निपटने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था। अब जबकि घरेलू मार्केट में कीमतें बढ़ने लगी हैं, तो सरकार ने जो उसका बफर स्टॉक है उसमें से गेहूं का ये जो ओपन मार्केट में रिलीज करने का ये फैसला किया है। साथ साथ सरकार ये भी स्पष्ट कर रही है कि हमारे पास लगभग 126 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक रहेगा 1 अप्रैल तक, और 75 लाख मीट्रिक टन का जो है बफर स्टॉक रहेगा। ठीक है, तो ये बड़ी खबर, और इस खबर का मार्केट को बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि कब ओपन मार्केट सेल के जरिए सरकार ओपन मार्केट में गेहूं बेचेगी। वो खबर फाइनली आ गई है, 30 लाख टन की मंजूरी मिल गई है। और इसका जो बात अभी अमरीश बता रहे थे कि गेहूं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए, चूंकि आटे के दाम भी बढ़े थे और एहतियातन सरकार ने एक्सपोर्ट को भी रोका था, तो इन तमाम डेवलपमेंट को देखते हुए ये बड़ा फैसला हुआ है, 30 लाख टन गेहूं ओपन मार्केट में बेचने की मंजूरी मिली है। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस महत्वपूर्ण खबर के लिए।